माइटोकॉन्ड्रिया बेटा सेल का बेसिक जो है एक सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल कहलाता है। इसको दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है बिल्कुल स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो जिगजैग मैनर में होती है। ठीक है, अब आउटर मेम्ब्रेन को सिंपली नाम दिया गया है आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसके अंदर कोई खास तब्दीली या खास चीज नहीं है, सिंपल मेम्ब्रेन है तभी आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो है जिगजैग होती है, इंटरनल जो उसके मतलब के रीजन है वो एम्प्टी होती है। ये जो है चेम्बर्स रखती है, उन चेम्बर्स के अंदर जो है सॉल्यूशन मौजूद होते हैं, उन सॉल्यूशंस के अंदर जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन के जिगजैग होने की वजह से उसका नाम है क्रिस्टाई। उसके अंदर जो मटेरियल मौजूद है इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, राइट साइड पे जो कलरफुल आपकी स्क्रीन के राइट साइड पे जो कलरफुल जो है डायग्राम है, ये 3D एनिमेशन है। रियल जो माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है वो ब्लैक एंड व्हाइट मौजूद है यहाँ पे। नेक्स्ट, प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स सो इट इज अ यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। ये तकरीबन यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होता है। आल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम कॉन्ड्रियोसोम भी है। और कॉमनली माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पायरेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अपने एंजाइम्स की मदद से कैटालाइज करता है और उसमें से एनर्जी बना रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर रहा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल तभी बोला जाता है। इसके जनरल कुछ शेप्स शेप्स के नाम ऐसे कह सकते हैं हम, रॉड शेप दिखाई देता है, सिगार शेप्ड, कैप्सूल शेप्स जो है हो सकता है। खिजर अपना वो बंद करें कैमरा। उसके बाद बेटा रिमेन इन कांस्टेंट मोशन हमेशा। साइटोप्लाज्म एक्चुअली जो होता है सेल के अंदर वो कंटिन्यूअसली मूविंग कर रहा होता है, साइक्लोसिस हो रही होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है मूव होता रहता है थोड़ा बहुत। दे आर सेंटर ऑफ रेस्पायरेशन ऑफ सेल। मैंने सवेरे बोला कि इसके अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन होती है। इसकी जो साइज है वो 0.2 से लेकर 1.0 माइक्रोन तक की जो है डायामीटर है, और इसकी जो लेंथ है वो 10 माइक्रोन मीटर जो है इन लेंथ है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सवेरे में जो इस डायग्राम में आपको बता के आया जो जो चीजें उसको डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन बिल्कुल स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड एंड फोल्ड्स आर नोन एज द क्रिस्टाई। इनर मेम्ब्रेन जिगजैग फॉर्म में होती है या उसको फोल्डिंग्स होती हैं और उनकी फोल्डिंग्स को बोला जाता है क्रिस्टाई। फोल्ड्स आर फिल्ड विद द मैट्रिक्स। फोल्ड के अंदर सॉल्यूशंस मौजूद हैं, मटेरियल मौजूद है, जो भी मटेरियल मौजूद है उसको कलेक्टिवली बोला जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, क्रिस्टाई हैज एंजाइम एंड को एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ पायरवेट। अब ये चैप्टर नंबर 11 में हम डिस्क्राइब करेंगे डिटेल में रेस्पायरेशन के अंदर पायरवेट को। ये कह रहा है कि ये जो सवेरे हमने ऊपर हमने मैट्रिक्स का तذکرہ किया, क्रिस्टाई के अंदर मैट्रिक्स मौजूद होते हैं, उन क्रिस्टाई के मैट्रिक्स में क्या-क्या मौजूद होगा। एंजाइम्स मौजूद होते हैं और कोएंजाइम्स मौजूद होते हैं जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करते हैं पायरेवेट प्रोसेस में। हियर ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आर डाइजेस्टेड एंड एटीपी आर मेड। ये इसका काम है कि इन सब चीजों की जो है मेटाबोलाइज करे, कैटाबोलिज्म का प्रोसेस करे और उनमें से एटीपीस को फॉर्म करे। एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी का मॉलिक्यूल। ठीक है, तभी इसको कॉमनली हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। अब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, कोई अलग से जो कैरेक्टर्स। दे हैव देयर ओन डीएनए मॉलिक्यूल।
माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल का ऑर्गेनेल है जो अपने पास खुद का डीएनए मॉलिक्यूल रखता है। अब इसको खुद का डीएनए मॉलिक्यूल होने की वजह से तभी बोला जाता है दे आर सेमी ऑटोमस ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, मतलब कि खुद की कॉपी भी बना सकता है, ठीक है, ओन डीएनए रखने की वजह से। कैन प्रोड्यूस नो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंट ऑफ सेल डिवीजन। जब हम 9th में पढ़ के आए, फर्दर आप आगे जाके इंटर में चैप्टर नंबर 7 में सेल डिवीजन पढ़ोगे, जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो दो डॉटर सेल्स के अंदर, तो जब ये डिवीजन करेगा तो जाहिर सी बात है दोनों सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का मौजूद होना जरूरी है। तो ये कह रहा है कि डिवीजन से इंडिपेंडेंट, माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन से इंडिपेंडेंटली ये माइटोकॉन्ड्रिया अपने डीएनए को इस्तेमाल करके अपनी खुद की कॉपी नहीं बनाता है, ताकि जब सेल डिवीजन हो तो नए सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया का मौजूद होना जरूरी हो जाए, तभी इसको सेमी ऑटोनॉमस बोलेंगे। इंडिपेंडेंटली सेल डिवीजन से ये खुद की कॉपीज बना सकता है। ट्रांसफर ओनली बाय मदर टू देयर टू हर ऑफ स्प्रिंग। ये सवेरे मैंने जो बोला कि वन पेरेंट सेल कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स हैविंग क्रोमोसोम नंबर सेम ऑफ देयर पेरेंटल सेल, ये माइटोसिस की डेफिनेशन है। तो ये कह रहा है कि ये एक सेल जब डिवाइड होगा दो डॉटर सेल बनाएगा, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जो है मूव हो जाएगा। उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है सेल वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 4, उसके ऑर्गेनिल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो ऑर्गेनिल है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे जो नाम के ऊपर या स्टार्ट में वर्ड गोल्जी लगा हुआ है, ये साइंटिस्ट था जिसने गोल्जी कॉम्प्लेक्स को जो है फर्स्ट टाइम सेल के अंदर देखा था, मतलब कि सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स इस मटेरियल को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था गेमिलोगाल्जी उसका नाम है, तभी इसने अपने नाम से जोड़ दिया इसका नाम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं, गोल्जी बॉडीज भी इसको बोलते हैं, गोल्जी मटेरियल भी इसी का जो है नाम है। अब एक तरफ से 3D एनिमेशन 3D पिक्चर मौजूद है, दूसरी तरफ से जो है उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय केमिलो गोल्जी इन 1898, आल्सो कॉल्ड द डिक्टोसोम्स इन प्लांट एंड इनवर्टिब्रेट्स, दे हैव सिस्टर्नी। अब इसका जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, इसकी डायग्राम हम देखें, देखें लास्ट में इसको स्फेरिकल शेप है, वो सेंटर में इसका जैसे पुराने जमाने में टेलीफोन एक रिसीवर होता था, टेलीफोन के रिसीवर हाथ जिसमें हम लोग डालते थे वो वाला जो पोर्शन है इसको सिस्टर्नी बोला जाता है, ठीक है, और लास्ट में इसका ओवल शेप्ड है। दे हैव सिस्टर्नी ओवल शेप। वन इन एनिमल सेल मेनी इन प्लांट सेल, इसकी क्वांटिटी जो है एनिमल सेल के अंदर ओनली वन मौजूद होता है और प्लांट सेल के अंदर जो है ये काफी तादाद में मौजूद होते हैं। लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस, तकरीबन ये न्यूक्लियस के पास ही मौजूद होते हैं। फंक्शन, अब फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज में क्या है, एक्ट एज अ पैकिंग सेंटर इन द सेल वेयर डिफरेंट प्रोटीन्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द सेल। ये पैकिंग सेंटर है, पैक करते हैं प्रोटीन को और सेल के अंदर जो है तो डिफरेंट जगह पे जो है भेजते भी हैं। दे स्टोर द प्रोटीन्स, मेक एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स इन प्लांट्स, दे मेक सेल वाल। प्लांट के अंदर इनका काम है कि ये सेल वाल बनाने में भी मदद करते हैं। इन एनिमल्स दे मेक लाइसोसोम्स, एनिमल्स के अंदर ये लाइसोसोम्स बनाएंगे, और लाइसोसोम्स जो हैं देखें ये जो इसकी गोल्जी बॉडी से स्फेरिकल जो जहाँ पे एरो लगा हुआ है स्फेरिकल बॉडी रिलीज हो रही है इसको बोला जाता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम अपने पास जो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रख रहे होते हैं, और वो जब हम फूड न्यूट्रिशन खाते हैं डाइजेस्ट होती है सेल के अंदर जाती है, तो वो सेल के अंदर इस फूड पार्टिकल को लाइसोसोम जो है डाइजेस्ट करने में मतलब के मदद करते हैं। तो लाइसोसोम जो है डाइजेशन में मदद करते हैं। एनिमल सेल के अंदर इनका काम है लाइसोसोम्स को बनाना। ये देखें ये यहाँ पे जो मैंने डिस्क्राइब किया आपको, देखें फूड पार्टिकल लिखा हुआ एक जगह पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
आपकी स्क्रीन के बिल्कुल जो है राइट साइड, आपकी तरफ से राइट साइड फूड पार्टिकल सेल के अंदर एंटर हो रहा है। दूसरी तरफ से देखें ये गॉल्जी बॉडीज मौजूद हैं, गॉल्जी बॉडीज में से ये लाइसोसोम रिलीज हो रहा है। ये लाइसोसोम आगे जाके फूड पार्टिकल के साथ यूनाइट होता है। थोड़ी देर के बाद देखेंगे ऊपर देखेंगे तो फूड पार्टिकल खाली नजर आएगा, उसके अंदर जो ग्रीन बड़ा सा फूड पार्टिकल था उसके साथ ऊपर ऊपर वाले डायग्राम में अब छोटे छोटे ग्रीन पार्टिकल्स हो गए और ब्लूइश जो है मटेरियल मौजूद है, ये एक्चुअली लाइसोसोम्स हैं। लाइसोसोम खुद खत्म हो गया, इसको जो है सुसाइड सेक बोला जाता है। अपने अंदर जो भी लाइसोसोम के पास मौजूद था वो इसने फूड पार्टिकल्स के ऊपर जो है ड्रॉप कर दिया उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो ये डाइजेशन जो है करवाने में लाइसोसोम जो है मदद करते हैं। और बनाए किसने, ये बनाए गॉल्जी बॉडीज ने। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब लाइसोसोम की, लाइसोसोम का तस्करा चल रहा है तो लाइसोसोम को डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय गॉल्जी बॉडीज, दे कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स सो हेल्प इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ये इंट्रासेल्युलर डाइजेशन करवाने में लाइसोसोम मदद करेंगे। और लाइसोसोम्स को बनाया किसने बेटा, हम सवेरे देख के आए, लाइसोसोम्स को बनाया गॉल्जी बॉडीज ने। लाइसोसोम्स आर फाउंड इन एनिमल सेल्स ओनली, दे कैन लीड टू डाइजेशन ऑफ देयर ओन सेल इफ देयर मेम्ब्रेन गॉट रैप्चर्ड सो आल्सो नोन एज सुसाइडल सेक्स। सवेरे मैंने डायग्राम में दिखाया, वापस चल के दिखाता हूँ। देखें फूड पार्टिकल आया था, लाइसोसोम जो है थर्ड नंबर फूड पार्टिकल ने फूड वेक्यूल बनाया। थर्ड नंबर डायग्राम देखें, ये अंदर सीरीज से देखते जाएं तो लाइसोसोम एड है इसके साथ। अब फोर्थ नंबर पे देखें, लाइसोसोम खुद गुम है, मतलब कि लाइसोसोम को सुसाइड सेक कहा जाता है क्योंकि ये अपनी मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है, अपने अंदर जो कुछ मौजूद होता है ये फूड के पार्टिकल्स के ऊपर ड्रॉप कर देता है। ठीक है, खुद का वजूद खत्म होने की वजह से इसको सुसाइड सेक बोला जाता है। The process in which the lysosome digests their own cell is called the autophagy of the cell. कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये लाइसोसोम जो है खुद के प्रोटीन्स वगैरह जो है सेल के खुद के पार्ट्स को जो है डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है बेटा क्या, autophagy of the cell. Lysosomes have alpha-glycosidase enzymes. Absence of alpha-glycosidase enzymes leads to glycogen storage in lysosome. अब जब alpha-glycosidase enzyme जो है इसके पास अगर absent होगा तो ये क्या करेगा बेटा, ये स्टोरेज करेगा ग्लाइकोजन को अपने पास। ड्यू टू एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन लाइसोसोम्स आर रप्चर्ड। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि ग्लाइकोजन की कंसंट्रेशन जो है ज्यादा हो जाए तो लाइसोसोम जो है रप्चर्ड हो जाता है। अब ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन जो है पॉलीसेक्राइड है और ये कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट जब स्टोर होने लगते हैं पॉलीसेक्राइड बनाते हैं एनिमल्स के अंदर, और कौन सा फॉर्म, कौन सा नाम, ग्लाइकोजन जो है बन जाता है पॉलीसेक्राइड के फॉर्म। ठीक है, रप्चर्ड लाइसोसोम्स रिलीज एंजाइम व्हिच डाइजेस्ट द सेल। अब लाइसोसोम जब रप्चर्ड हो गया तो ये क्या करेगा, सेल को जो है डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ये तीन जो है डिजीजेस है जो लाइसोसोमल स्टेजेस की वजह, लाइसोसोम जो स्टोरेज की वजह से होने जाती हो जाती है, TSHs एंड वाचर्स डिजीज एंड ग्रेव्स डिजीज जो है, तीन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस हैं, डिसऑर्डर्स हैं जो होने लग जाते हैं। ठीक है,